टीम इंसाफ की तरफ से लगाए गए अंगदान कैंप में 24,837 अंगदानियों ने फार्म भरकर बनाया नया कीर्तिमान। प्रसिद्ध कलाकार गुरचेत चित्रकार द्वारा पेश किए नाटक ने हजारों की आंखों को किया नम। प्रेरणा स्रोत अवसर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए शुरू हुई लहर कभी खत्म नहीं होने देंगे, बोले सिमरजीत सिंह बैंस। लुधियाना टीम इंसाफ की तरफ से शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को समर्पित एक अंगदान कैंप का आयोजन स्थानीय गिल्लोड़ की अनाज मंडी में किया गया। इस अवसर पर आए हुए 24,837 लोगों ने अपने अंगदान के फार्म भरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहां ये भी वर्णन योग्य है कि इससे पहले इंडियन नेशनल स्टूडेंट संस्था की तरफ से रोहतक हरियाणा में लगाए गए एक अंगदान कैंप में तकरीबन 10,450 अंगदानियों ने प्राण लेकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए टीम इंसाफ के प्रमुख विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को शर्धा के फूल भेंट करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में अंगदान का प्राण लेकर हजारों व्यक्ति ने एक महान कार्य किया है, क्योंकि ये प्राण कई मनुष्यों को नई जिंदगी दे सकता है। सबसे पहले आज के इस पवित्र दिन पे शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा और सत्कार भेंट करता हूँ। और आज के इस पवित्र दिन पर, शहीदी के पवित्र दिन पर टीम इंसाफ ने स्वास्थ्य सेवा को समर्पित लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान ऑर्गन डोनेशन ने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया। पंजाब के हर गांव, शहर, कस्बे में गए और आज का आंकड़ा 24,000 के ऊपर का हो गया। लोग 24,000 के ऊपर आज विलिंगली अंगदान फार्म भर के गए। तो अब तो पंजाब में ये कानून पास हो गया, पहले तो लोगों को जाना पड़ता था, कोई वेस्ट बंगाल जाता था, कोई पाकिस्तान जाता था ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब ट्रांसप्लांटेशन एक्ट इसी बजट सेशन में पास हो गया, कानून बन गया। तो अब इसके लिए ज़रूरत है कि अंगदान करने वाले लोगों को प्रमोट कैसे करना है, उनमें जो वहम और भरम है उनको दूर कैसे करना है। तो ब्रदर, आज इस बात की दुखांत है, अली बाबा 40 चोर, जिस परिवार में बाप बेईमान होता है उसका पुत्र कभी ईमानदार नहीं होता। आज पंजाब का मुख्यमंत्री बेईमान है, आज पंजाब का मुख्यमंत्री, अगर पंजाब के इस बजट सत्र की बात करूं तो 1,37,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर। मैं तो पंजाब विधानसभा में आंकड़े लेके गया हूं कि ये बादल फैमिली ने, मुख्यमंत्री और उसके बेटे ने पंजाब का 1,37,000 करोड़, मैं आंकड़े बना के लिया कि 9 साल में 2,95,000 करोड़ रुपए का रीता और बदरी के, और 5,000 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट में, और 12,377 करोड़ रुपए का केबल में, और 7,400 करोड़ रुपए का गबन किया इन लोगों ने खाली बोरियों में, बारदाना में। तो मैं ये आंकड़ा बना के लेके गया, मैंने पंजाब विधानसभा में ललकार के बोला, जहाँ पे बादल साहब सामने कि अगर मेरी बात में कोई झूठी बात है ना, मेरा आंकड़ा झूठा, तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करो, मेरे पास आप लोगों के दस्तावेजी सबूत प्रूफ हैं। तो ये समाप्ति का दौर है, जैसे जब दिया मोमबत्ती बुझने लगती है तो फड़फड़ करती है, लाइट ज़्यादा हो जाती है, अब तो बादलों की फड़फड़ है, अब ये इनका अंतिम दौर है, आप देखते जाओ। इस अवसर पर प्रसिद्ध गुरचेत चित्रकार की तरफ से हम बोलेंगे सत्य नाम का विशेष नाटक पेश किया गया। इस अवसर पर दलजीत सिंह बोला ग्रेवाल, रणदीप सिंह सीबिया, परमिंदर सिंह सोमा, गुरप्रीत सिंह खुराना, स्वर्णदीप सिंह चाहल, गुरप्रीत सिंह गोरा, रणजीत सिंह बिट्टू, रणजीत सिंह उबी व कई अन्य लोग शामिल हुए। जागृति लहर के लिए सेठी चौहान की रिपोर्ट।